very bad end of it. Ah, la la, there you go. Ah, there's a couple of them. Which is over there. They didn't call me back on it. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा देसी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आज का व्लॉग करते हैं शुरू, छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो। तो सुनाएं साहब, कैसे हैं? ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी काम से आया हूँ, छुट्टी लेकर आया हूँ, पानी शानी पिया है, नींबू वाला शिकवंजी बनाकर, और कोई काम से जाना था इसलिए छुट्टी ली थी। अभी आए, मैंने सोचा आपसे हेलो हाय कर लें, हैं जी, ठीक है ना। तो और सुनाए सब, अरे हालात डाउन सन, इस कार के बाद उन फिल का देते हैं, आड़ा उड़ू हो गया। आहो, आड़ा उड़ू हो गए, उन सा लग गया था। उन्होंने मोटरसाइकिल भी महंगे हो गए हैं ढेर सारे, अल्लाह करम कर से इंशाल्लाह फिर सही, अल्लाह जी हाँ इंशाल्लाह देगा। ये हमारे पुराने दोस्त हैं, ये भी हमारे साथ पार्ट पर काम करते थे, जब ये अभी ये ट्रक चला रहे हैं। ये ट्रक माशाल्लाह इनका खुद है और बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका नाम मोहम्मद कसूर खान पठान है, ऐसा ही है ना। और ये हैं इनके हेल्पर कंट्रैक्टर। आप लोग खजूरें ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन ये देखें, ये साहब जो हैं खजूरों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से धोने के बाद खाएंगे। इनमें बहुत सारी मैल होती है, जबकि आप देख रहे हैं आप लोगों ने भी खजूरों को पहले वॉश करना है फिर खाना है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई साहब कह रहे हैं। भजन कहेंगे के लिए सुखाना पड़ता है, सुखाना भी पड़ता है। ये देखें, अब सुखने के लिए रख दिए। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लग रही है फिलहाल। और यहाँ पखा चल रहा है और यहाँ पर मिस्त्री का मजदूर बैठा हुआ है, और ये मिस्त्री साहब अपना काम कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, जबकि मैं जो हूँ इनकी वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी तो देखो। हाँ, तो ये जो है ना, कौओं को मैं बिस्किट डालने जा रहा हूँ, और कौवे जो हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हमको ये बिस्किट डालें और हम आएं और खाएं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह बहुत ज़्यादा कौवे आ चुके हैं। ये जैसे मैं साइड पर हो जाऊँगा तो देखें वो आ गए, इन्होंने बिस्किट खाना शुरू कर दिए। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे, कि मेरा एक दोस्त है वो पहाड़ी पर काम करते हुए शहीद हो गया था, उसकी हेल्प के लिए आप कुछ कर सकते हैं, मुझसे रब्ता करें। अच्छा, मेरा एक दोस्त था कासम, कासम अली, ये उसकी फैमिली है, वो पहाड़ी पर काम करते हुए गिर गया था और शहीद हो गया था। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप बासर अफराद हैं तो इनके लिए हेल्प कर सकते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट में। ये देखें, ये कासम की तस्वीर है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हो सके तो अगर आप इसकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।